नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई पासपोर्ट के बारे में। जी हाँ भाई, आप चाहे दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, कुवैत, किसी भी देश में, खास तौर से गल्फ देशों में जाते हैं तो सबसे पहले आपको जाते ही आपका आपको नहीं पूछा जाता, आपका पासपोर्ट से पूछा जाता है, पासपोर्ट कहाँ है, पासपोर्ट दे दीजिए। आप पासपोर्ट दे देते हैं, आपका वीज़ा लग जाता है, आपके साइन होते हैं, फिर पासपोर्ट कंपनी में जमा हो जाता है। जब आप आते हैं 2 साल के बाद में, तब आपको पासपोर्ट का दर्शन होता है। ऐसा लगता है कि पासपोर्ट आपका एक जमानत के तौर पर रखा हुआ है आपका। जी हाँ, कंपनी ने आपका वीज़ा लगाया है, कंपनी ने आपके ऊपर, हालांकि एजेंटों को आप पैसे दे के जाते हैं, इधर आपने वीज़ा के पैसे दिए हैं, लेकिन वो पैसा यहीं रहता है एजेंटों के पास में, वो आगे नहीं जाता है। कंपनी आपका वीजा के लिए अलग से खर्च करती है, लगभग 1,00,000 रुपए के करीब वीजा का खर्चा लग जाता है। कंपनी आपके ऊपर एहसान करती है कि आपका हमने फ्री में वीजा लगवाया, जमानत के तौर पे आप हमारा पासपोर्ट हम आपका रखेंगे, क्या पता आप भाग जाओ। लेकिन क्या ये सही है, ये लीगल है या इनलीगल है? क्या आपका पासपोर्ट कंपनी रख सकती है? बहुत सारे केस में ऐसा देखने आया कि वीजा कैंसिल हो जाए, कंपनी वीजा कैंसिल करने के बावजूद आपका पासपोर्ट नहीं दे रही है, आपको बिठा के रखती है, आपका कंपनी पासपोर्ट जब्त कर लेती है, आपका कोई उसके साथ कोई मैटर है, तो ये सब क्या है भाई, इसके खिलाफ में क्या हो सकता है, क्या ये लीगल है? अगर पासपोर्ट कंपनी रख लेती है तो क्या उसके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? दुबई लेबर लॉ क्या बोलता है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए? आप कंपनी के सामने बाकायदा खड़ा हो सकते हैं इस बात को लेके कि पासपोर्ट दीजिए, पासपोर्ट मेरा है, न कि आपका। पासपोर्ट में वीज़ा लगवाया, कोई एहसान नहीं किया, पासपोर्ट मेरा है, मैं ही रखूँगा, वरना आपके खिलाफ में तैयारी कर लिए, लीगल एक्शन लूँगा मैं। अगर आप में ये हिम्मत है तो गारंटेड पासपोर्ट आपकी जेब में रहेगा, अगर आप में ये हिम्मत नहीं है तो पासपोर्ट आपका, ये मान लो कि आपकी जमानत पासपोर्ट ही है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है कंपनी में। जी हाँ, डिटेल से जानिए, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए भाई, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको वीजा से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आप इंडिया जाओगे तो आपका पासपोर्ट देंगे, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ, क्या सबके साथ ही होता है? 95% जो लोग ब्लू कॉलर जॉब वाले हैं आपको बिठा लेते हैं, कंपनी में काम नहीं होता है तो भी आप 1 महीने तक वहाँ पे बैठे रहते हो, खाना लगभग आप बना के खाते हो, कंपनी का रूम है, पड़ा है, क्या है, क्या फर्क पड़ता है? पर कंपनी आपका पासपोर्ट रोक लेती है, जब्त कर लेती है, क्या ये गलत नहीं है? कंपनी के खिलाफ में कार्रवाई हो सकती है। जी हाँ, आपका पासपोर्ट अगर वहाँ पे दुबई में कोई रख सकता है तो सिर्फ दुबई का लीगल एक्शन, अगर कार्रवाई होती है या कोई रीज़न होता है तो सिर्फ कोर्ट आपका पासपोर्ट रख सकता है या कोई सक्षम न्यायिक अधिकारी आपका पासपोर्ट रख सकता है, बाकी आपका पासपोर्ट यूएई में रखने का किसी को भी अधिकार नहीं है। जी हाँ, बता दूँ 2002 में एक कानून बना हुआ है, एक्ट 267, उसके तहत ये गलत बताया गया है कि जब तक कोई अदालती आदेश या कोर्ट का आदेश नहीं हो तब तक आपका पासपोर्ट कंपनी अपने पास नहीं रख सकती, आपका पड़ोसी, आपका कोई भी अधिकारी आपका पासपोर्ट नहीं रख सकता है। जी हाँ, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, एक पर्पस पे रखा जा सकता है कंपनी में पासपोर्ट, कब? जब आप लिखित में ये बात कबूल कर लें कि भाई ठीक है, मुझे कोई इतराज नहीं है, मेरा पासपोर्ट कंपनी रख सकती है, तब कंपनी आपका पासपोर्ट रखेगी। अगर आपसे लिखित में नहीं लिया और बिना पूछे ही पासपोर्ट रख लिया और मुख जबानी भी आपने बोल दिया तो भी वो चीज़ माने नहीं है, कानूनी रूप से ये चीज़ गलत है कि आपका पासपोर्ट कंपनी रखती है। जी हाँ, लेकिन यहाँ पे एक बात माइनस आती है कि जब आपका कंपनी वहाँ जाते हैं तो आपका एक अग्रीमेंट होता है, अग्रीमेंट में ये बात इंग्लिश में लिखी होती है और आप पढ़ते भी नहीं है 90, आप क्या देखते हैं, हाँ खाना मिल रहा है, तनख्वाह एजेंट ने 1500 बताई यार 1200 मिल रही, उस पर बहस हो जाती है आपकी, फिर वो एडजस्टमेंट हो जाता है। पासपोर्ट का तो मिट्री नहीं आता कि कंपनी रखे, क्योंकि माइंड में पहले से सेट है कि पासपोर्ट तो कंपनी रखेगी, ये वही उसी अग्रीमेंट में ये बात लिखी होती है, आपसे साइन हो जाते हैं कि आपने अपनी मर्जी से कंपनी को पासपोर्ट दिया, जबकि आपको पता ही नहीं है यार कि पासपोर्ट आपने कंपनी को मर्जी से दिया है क्या। अगर आपको कोई बोल दे कंपनी वाला कि क्या पासपोर्ट कंपनी में रखवाना चाहोगे तो आप तो 100% मना करोगे, क्योंकि वो तो दबाव में है ना, पासपोर्ट रखने का मतलब ही दबाव में कि बंदा भाग नहीं जाए, समय से पहले निकल नहीं जाए, इंडिया नहीं चला जाए, दूसरी कंपनी में नहीं चला जाए, वीजा कैंसिल नहीं करवा ले, बहुत सारे सिस्टम होते हैं, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। फिर भी अगर आप चाहते हैं पासपोर्ट कंपनी न रखे, कंपनी आपके पास, पासपोर्ट आपके पास रहे और कंपनी पासपोर्ट नहीं दे रही है, तो भाई आप मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय में आप शिकायत कर सकते हैं या फिर आप पुलिस स्टेशन में बाकायदा मुकदमा करवा सकते हैं कंपनी के खिलाफ में, या शिकायत दे सकते हैं कि कंपनी मेरा वीज़ा कैंसिल हो गया उसके बावजूद मेरी कंपनी पासपोर्ट नहीं दे रही है, या और भी बहुत सारे रीज़न हो जाते हैं, मैंने कंपनी छोड़ दी, मैंने इस्तीफा दे दिया, फिर कंपनी पासपोर्ट नहीं दे रही है, तो ये सिस्टम होता है, तो आपको सोचना समझना चाहिए। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ में। जय हिंद।